नमस्कार, मैं ईशा शर्मा स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। पुरातन छात्र ने विद्यालय को शीतल जल के लिए RO भेंट करने का वचन दिया। उरई जालौन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सरस्वतीपुरम के पुरातन छात्र मयंक गुप्ता ने विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज को शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए RO भेंट करने का वचन दिया। उन्होंने कहा, इस विद्यालय में जो ज्ञान अर्जन किया है उसी का परिणाम है कि आज मैं इस योग्य बना कि विद्यालय को RO भेंट कर पा रहा हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर व विद्या मंदिर ही ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षा में तो अग्रणी बनाते ही हैं, संस्कार भी देते हैं। इस दौरान मंच पर उनके पिता व उनकी भार्या पुत्र चिरंजीव भी उपस्थित रहे। वरिष्ठ आचार्य द्वय ब्रजभूषण पांडे कामता प्रसाद त्रिपाठी ने अपने पुरातन छात्र व उनके पिताश्री को अंग वस्त्र ओढ़ाकर श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। संचालन का दायित्व निभाया प्रवक्ता गोविंद श्याम गुप्ता व अखिलेश दुबे ने। सभी विद्यालय परिवार इस मौके पर उपस्थित रहा। संजय अग्रवाल, जिला प्रभारी, हिंदुस्तान न्यूज 24। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सभी गुरुजन और मेरे सभी प्यारे छोटे भैया बहनों, ये हॉल बिल्कुल भी नहीं बदला। 2005 में जब मैं यहाँ बैठा करता था, आज से लगभग 15 साल पहले, तभी बिल्कुल वैसा ही था। और ये सारे शिक्षकगण जो आपके चारों तरफ बैठे हैं ऐसे ही बैठा करते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छा, अभी रिसेंटली जो मेरे एक टीचर थे उनका कहना था कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर दोज हु सर्व द सोसाइटी। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर दोज हु सर्व द सोसाइटी। ये बहुत ही गहरी बात है और इसको ध्यान से समझना। हिंदी में इसका मतलब है कि जो मुनाफा है उन लोगों के लिए होता है, उनका पुरस्कार होता है जो समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली जब आप जीवन में ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगर आपके मन में समाज की सेवा करने की जिज्ञासा है, इच्छा है, आप चाहते हैं कि अगर आप पढ़ लिख के खुद का रोजगार चलाएं या फिर खुद कुछ करें, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। अच्छी बात ये होगी कि आप आगे बढ़ें और कई सारे लोगों को आगे बढ़ाएं जीवन में, क्योंकि जब आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं और आप बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक तरीके से ईश्वर की मदद कर रहे हैं। क्योंकि भगवान तो उसको तो पूरी दुनिया चलानी है, सबका पालन पोषण करना है, और आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ के हजारों लोगों को, लाखों लोगों को पालन पोषण करें, तो एक तरीके से आप ईश्वर की सेवा करने की भावना और उनकी मदद करने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं बहुत ही ईश्वरवादी हूँ, भगवान में बहुत ही विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में चमत्कार होते देखे हैं और आप मुझे देख सकते हैं। मेरा पूरा जीवन ही चमत्कारों से भरा हुआ है। मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति था, यहाँ बैठ कर करता था, उतनी क्षमता भी नहीं थी, उतना अपने आप को होशियार भी नहीं समझता था मैं। बट बहुत सारे काम मेरे जीवन में ऐसे हुए जिनको आप लोग आश्चर्य की तरह ले सकते हैं। आपके नाम में बहुत ज़्यादा ना बोलते हूँ, मैं चार बातें आपके साथ अपने जीवन में शेयर करूँगा। वो चार बातें जो मैं मानता हूँ जीवन में मूल मंत्र है सफलता के। पहला है अनुशासन। अनुशासन आपको यहाँ सिखाया जाता है सरस्वती विद्या मंदिर में। अनुशासन आपको आपके रगों में भर दिया जाता है। अनुशासन वो आपके जीवन भर काम आता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन, दो दिन या साल भर आप विद्यालय समय से आ गए। अनुशासन का मतलब है कि अपने पूरे जीवन आप अनुशासन से भरा हुआ होगा। सेल्फ डिसिप्लिन, आप हमेशा विद्यालय समय से आते हो, आप हमेशा हर मीटिंग में समय से पहुँचते हो, किसी को अगर आपने कुछ वचन दिया हो बच्चों को बताते हो, ये अनुशासन है। दूसरी चीज़ है निरंतरता। चाहे आपका पढ़ाई हो या आपका बिजनेस हो या आपका कोई भी जीवन में कोई भी काम करना हो, अगर आप परीक्षा के दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लीजिए कि आप हमेशा हमेशा करते रहना है, कोई भी चीज़ हमेशा करते रहना है, निरंतरता होनी चाहिए आपके कर्मों में। अनुशासन, निरंतरता और उसके बाद तीसरी जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। अभी मैं आपको छोटी छोटी चार कहानियाँ भी सुनाऊंगा जो आपने बात से प्रेरित करती थी, तो आपको समझ में आएगा उनकी सच्ची घटनाएं हैं। अनुशासन, निरंतरता, पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप सोचेंगे कि ये होगा और होकर रहेगा तो वो काम जरूर होकर रहेगा। वो पॉजिटिविटी चारों तरफ क्रिएट होती है, आपकी सारी चीज़ें आपकी मदद करने लग जाती हैं। और चौथी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है विश्वास।
विश्वास आपको किस पे करना है? सबसे पहले तो खुद पे विश्वास करना है कि आप कर पाएंगे। आपकी जो बुद्धि है वो आपके उम्र के सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबकी बुद्धि के लगभग बराबर है। आपकी बुद्धि किसी से कम नहीं है ना किसी से ज़्यादा है। कोई अगर पढ़ने में थोड़ा अच्छा है वो सोचे कि नीचे वाला उसे कम बुद्धिमान है तो ऐसा नहीं है, या नीचे वाला सोचे कि नहीं जो होशियार है वो ज़्यादा बुद्धिमान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका जो मेंटल लेवल है वो बिल्कुल एक जैसा है, बस फर्क इतना है कि कितना आपने एक्टिवेट कर रखा है उसको।